जी ब्रेक के बाद खुश आमदीद गिलानी साहब, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सालन भेजती हर साल। हाँ, मुझको भी भेजती है बकरे का सालन हर साल। सुभान अल्लाह, बस यही बात है अच्छी मेरी हमसाई की। मैं तो की तड़पती नजर आ रही और है। मैं जिन्हें जीरा समझता था जुए थी आए हाय। ये तखयल आपने पहले कभी नहीं सुना। मेरा ख्याल है कि ये सुना भी नहीं जा सकता। समझता था वो जुए थी उसकी बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। क्या बात है, घर भी वापस जाना है मेरी। मैं बात थोड़ा कर रहा हूँ, वो दोनों तरफ इशारा करते हैं इसलिए बैलेंस रखा हुआ है उन्होंने। तो अपनी हमसाई की बात, ये तो आपकी हमसाई है। और मेरी बेगम की तू शॉपिंग मेरे दोस्त न मेरी बेगम की ईद शॉपिंग मेरी बेगम की मेरे दोस्त न पूछो परवाही नहीं है कोई महंगाई। किसी की बेगम को भी नहीं होती परवाही। और जब भी सलमान वो मैके गई जल्दी लौटी। अफसोसनाक बात, जब भी सलमान वो मैके गई जल्दी लौटी। बस यही बात बुरी है तेरी परजाई। यानी मुश्तरका गम है। यही बात। और जो मिले, एक शेर रह गया था कि जो मिले जैसा मिले जब मिले डप जाती है। जो मिले जब मिले, मिले जैसा मिले डप जाती है। मिले वाह वाह वाह, जब मिले डप जाती है। मैं इनकी बात सुन के ना, कि जो इन्होंने अभी उसको शुगर की है परहेज ना चिकनाई की। वाह 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 वाह, जो मिले जैसा मिले डप जाती। मिले डप पंजाबी का खास लफ्ज है, डप जाती है उसको शुगर की है परहेज ना चिकना। क्या बात है, क्या बात। उसने सैंडल से मेरी खूब पजीराई। तो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास। वाह वाह, बस यही बात थी अच्छी मेरे हरजाई की। परवीन शाकिर साहबा, क्या परवीन शाकिर साहबा और मेहंदी हसन को डेडिकेट करते हैं। बाकी मुझे माफ करें जो कुछ मैंने उनके साथ किया। जो कुछ किया, लेकिन ये नाकाबिले माफी, ये नाकाबिले माफी जुर्म है आपका। अच्छा गुल साहब, वो कोई सुना दे हमें, कोई गाना सुना दे, नैब को डेडिकेट कर दे, सुना दे क्या है। देखिए आज आपका प्रोग्राम बड़ा मजेदार जा रहा है और उसपे चार चांद जो है वो गिलानी साहब ने लगाए हुए हैं। लेकिन तो हम चाहते हैं आप भी चार चांद लगा दें। आप यहाँ बैठ गए शो में, वैसे चार चांद लगे गा भी लें आप। इन्होंने बेकदरी जो है वो की है अपनी घरवाली की। अब तो ये सोच भी नहीं सकते क्योंकि हमें वापस भी जाना है। ये ना कदरी नहीं है, ये डेडिकेशन है उनकी खिदमत की। वाह 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 वाह, ये प्यार की बातें हैं, मोहब्बत की बातें हैं। बहुत आला, क्या बात। विकास क्या है, मैं को मेडले मुडले सुनाना चाह रहे हैं। जी मेडले डेडिकेट करता हूँ इन सब को भी और जितने व्यूवर्स हैं। जी मेडले सुनाइए, मेडले सुनाइए। तैनू थकिया बिना ने दिल रजदा मोहल्ले विचों कुछ ना करी देवा वास्ता ओ भी बसों ने रब दा मोहल्ले विचों कुछ ना करी तैनू थकिया बिना नहीं दिल रजदा तैनू थकिया बिना नहीं दिल रजदा।
ਰਜਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀ ਦੇਵਾਂ ਵਾਸਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪੇ ਮੇਰੀ ਅਸਾਵਾ ਜੀਣਾ ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸੀ ਕਰ ਇਤਬਾਰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਤੂੰ ਯੂੰ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਆਲੇ ਬਹੁਤ ਆਲੇ ਵਾਹ 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 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁਛ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਫੀ ਰੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਮਲਕਾ ਤਰੰਨੁਮ ਮੂਰ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਆਪਕਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸਿੰਗਰ ਕੌਨ ਸਾ ਹੈ ਕੌਨ ਪਸੰਦ ਹੈ ਆਪਕੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋਣੇ ਵਾਲਾ ਇਨਕੋ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸੁਲੋਣੇ ਵਾਲਾ ਮੇਡੀ ਸਾਲਟ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਕਾ ਤੋ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਦੌਰੇ ਪੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਿਆ ਥਾ ਮੈਂ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫੈਨ ਹੈ ਉਨਕੇ ਉਨਸੇ ਬੜਕਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਨਕੇ ਫੈਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹਮਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਲਕੇ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋ ਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇੱਜ਼ਤ ਵਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਜੈਸੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋ ਯਾਨੀ ਵੋ ਤੋ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਮੈਨੇ ਕਈ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਯੇ ਸੁਣੀ ਕਹਤੇ ਜੀ ਵੋ ਤੋ ਆਪਕਾ ਐਸਾ ਸਿੰਗਰ ਥਾ ਕਿ ਜਿਸਕੇ ਗਲੇ ਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਯਾਨੀ ਇਤਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲਈ ਆਪ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦੇ ਗਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਇਨਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੁਝ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਇਨਕੀ ਇਸ ਕੈਫੀਅਤ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦੇਤੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਜੀਏ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਹਾ ਆਹਾ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦਰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਥੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦਰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਦਰਦਾ ਕਿਤੇ ਥੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਦਰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਥੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਧਰੇ ਥੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਰੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਆ ਕਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਗਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਏ 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 ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾਹ 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 ਇਹ ਇਨਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇਨਕੇ ਕਾਇਦ ਕੇ ਲਈ ਸ਼ਬਾਦ ਭਾਈ ਆਜ ਤੋਂ ਵੋ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਮਗੀਨ ਹੋਗਾ ਸਹੀ ਬਾਤ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਤਾ ਕੀਜੀਏ ਕੱਲ ਜੂੰ ਹੀ ਹੁਆ ਸਵੇਰਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਮੁਝ ਕੋ ਘੇਰਾ ਕੱਲ ਜੂੰ ਹੀ ਹੁਆ ਸਵੇਰਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਮੁਝ ਕੋ ਘੇਰਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਮੁਝ ਸੇ ਬੋਲਾ ਗਰ ਅੱਬਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਬਕਰਾ ਮੰਡੀ ਜਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਕੋਈ ਦੁੰਬਾ ਛਤਰਾ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁੰਬਾ ਛਤਰਾ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਤੇ ਬਕਰਾ ਹੋਵੇ ਲੰਮਾ ਉੱਚਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਕਰਾ ਹੋਵੇ ਲੰਮਾ ਉੱਚਾ ਤੀਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਚੁੱਚਾ ਹਾਂ ਬੱਕਰਾ ਹੋਵੇ ਲੰਮਾ ਉੱਚਾ ਤੀਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਚੁੱਚਾ ਲੋਫਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਲੁੱਚਾ ਹੋਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਯਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੰਬਾ ਛਤਰਾ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੱਕਰਾ ਹੋਵੇ ਦੋਂਦਾ ਮਸਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਨਾਲੇ ਬੱਕਰਾ ਹੋਵੇ ਦੋਂਦਾ ਚੌਵਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਖਲੋਂਦਾ ਕੜੀ ਮੁੜੂ ਹੋਏ ਸੂ ਸੂਜ ਚੋਂਦਾ ਫਿਰ ਡਾਇਪਰ ਕੋਈ ਪਵਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਓਂ ਕੇ ਲੀਏ ਆਹਾ ਇਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਨਾ ਅਹਿਲ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਛਾਂਗਾ ਮਾਂਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਸਾਡੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਯਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਏ ਮੌਸਮ ਅੱਗੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਏ ਮੌਸਮ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਪਈ ਵੱਗੇ ਤੱਕ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਪਈ ਵੱਗੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੰਬਾ ਛਤਰਾ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਤੇ
ਪੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਨਿਆਲੀਏ ਦੁੰਦਾ ਚੋਵਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਖਲੋਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵਰਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਕੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਮਾਲੂਮ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਣਾ ਕਿ ਹਰ ਖਬਰ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਲ ਸੰਦੀਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੂਸੀਕੀ ਆਪ ਸੁਣਤੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਸੇ? ਜੀ। ਕੌਨ ਸੇ ਸਿੰਗਰਸ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਤੀ ਹੈ ਆਪ? ਦੇਖੇ, ਅਗਰ ਲਿਰਿਕਸ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੋ ਖੁਦ ਵੀ ਗੁਨਗੁਨਾ ਲੇ ਆਦਮੀ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੇਂ ਡੈਪਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਸੁਣਨੇ ਕੋ ਅੱਛਾ ਲਗੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ ਕੌਨ ਸੇ ਪਸੰਦ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਹਮ ਲੋਗ ਨਾ ਜਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਮੇਂ ਫਾਲ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੇ ਦੇਂ ਯਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇ ਕੋਈ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖ ਦੇਂ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਫਰਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬੜੇ ਨਾਮ ਲਿਏ ਆਪ। ਹਮਨੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੋ ਵੀ ਚਾਹਾ ਤੇਰੇ ਹਿਜਰਾਂ ਮੇਂ ਵੋ ਲੋਗ, ਆਥ ਜਾਤੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਥੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੂ ਥਾ। ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨਾ, ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਭੀ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਤਾਬਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਚਾਂਦ ਸੇ ਚਿਹਰੇ ਤਾਬਿਸ਼, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਜੋ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਥਾ, ਫਰਦ ਤਬਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਥਾ। ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੇ ਕੁਛ ਗੁਨਗੁਨਾ ਦੇ ਮੈਂ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਬ ਸੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸੁਣਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਵੇ ਸੇ ਸੁਣਾ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਗੁਨਾ ਦੂੰਗਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ
वाह वाह, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ शेर ऐसे होते हैं जो आपको ग्रिप में ले लेते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ जुमले ऐसे। अब मसला ये है कि बड़ा दिल चाहता है कि शायरी में, मौसीकी में आप खुल के अपना इजहार भी करें, अपनी पसंद भी बताएं, गाएं भी, लेकिन वो बस फटाफट ही कोई ना कोई वो आपके ऊपर टैग लगना शुरू हो जाता है, खैर है, क्या चक्कर है, कोई अच्छी चीज अच्छी है, अब इसका ड्रेस अच्छा है तो अच्छा है, खूबसूरत है, खूबसूरती अपने आप में एक अल्लाह को अल्लाह ने मिसाल दी, या फिर क्या मिसाल मुझे बताया कि मेरा ड्रेस अच्छा है। शेर को मुकम्मल कर दो, वो जो बिछड़ा उसका इंतजार रहा आज तक, मगर वो अब नहीं लौट के आएंगे इस्लामाबाद तक। नहीं नहीं, वो आएंगे इस्लामाबाद तक भी आएंगे और आगे तक भी जाएंगे। इससे ऐसी गुफ्तगु फिर शुरू हो जाती है। इनके माइंडसेट का अंदाजा बेचारे मुझे इस वक्त इनसे सदमे में है। आप क्यों नहीं समझती? मैं ये कह रही हूँ कि खूबसूरती जो है ना, खूबसूरत चीज खूबसूरत है, फूल खूबसूरत है, खूबसूरत मौसम खूबसूरत है, लोग खूबसूरत है, क्योंकि हमारे रब ने खूबसूरती को पसंद किया है, अल्लाह ने खूबसूरती को पसंद किया, तो अच्छी चीज अच्छी लगती है। फौरी तौर पे हमारे यहाँ टैग कर देना जो है ना कि क्योंकि आज इन्होंने कोई तरबिया शेर पढ़ा है तो इसलिए आज इनका ये किसी और मूड में होंगी, अलमिया शेर पढ़ा है तो खैर है मैडम, क्या हो गया। आम सी बात है कि आप वैसे फेसबुक पे कोई स्टेटस लगाने छोड़ दिए, पूछना शुरू हो जाते हैं, लगाने छोड़ दिए, बहुत सही बात। फहद की शायरी को लाइक करते हैं, लड़कों को कोई नहीं पूछता, हमारे अंदर का मौसम अच्छा है, उनका मौसम जो है ना मैच नहीं कर रहा तबीयत से, मैच यहाँ पर भी मैच। गुल साहब मुकेश को ही गुनगुना दें, आप सुनते हैं उनको बड़ा अच्छा। जो कुछ आ रहा है हिंदुस्तान से आ रहा है और वो सीधा इस्लामाबाद जा रहा है, लेकिन जहाँ तक का वीजा होगा वहीं तक जाएगा, इस्लामाबाद तक के वीजे से आगे मरी तक होके नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। मरी का मौसम तो बहुत अच्छा है, ये तो फिर जुल्म की बात है कि अगर कोई मरी तक आप ना लेकर जाए। नहीं, अगर इंडियन कोई आ रहा है ना तो उसको जहाँ तक वीजा है वो वहाँ तक ही जाए। अच्छा गुस्सा कुछ गुना दे ना, मुझे वकास को बीच में डालना पड़ेगा, बीच में जाने के लिए मेरी जगह वकास साहब जो बदलेंगे। आप वकास किसको पसंद करते हैं गुलकारों? मैं नुसरत साहब को ज्यादा सुनता हूँ। नुसरत साहब को कुछ सुना दें, नुसरत साहब की शायरी के अंदाज में मैं एक सॉन्ग गाता हूं। कुछ सुना दें नुसरत साहब का, सुना दें, ये ठीक है, थोड़ी बचत हो जाएगी। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, क्या बात है? सादगी में भी कयामत की अदा होती है, तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कजा होती है, और तुम समंदर की बात करते हो, समंदर की बात,
तुम समंदर की बात करते हो, लोग आंखों में डूब जाते हैं। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए, हर बला सर पे आ जाए लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से सनी सदानी पौधा मबगा मरेगा सा, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए। वाह 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 वाह, गिलानी साहब प्रोग्राम तकरीबन खत्म होने वाला है, आखिरी कोई चीज अगर आपको अच्छी सी सुनवा दें। मैं उर्दू मीडियम था वो अंग्रेजी दान थी, मैं उर्दू मीडियम था वो अंग्रेजी दान थी, मैं उर्दू मीडियम था वो अंग्रेजी दान थी, सब तोड़ कर वो प्यार के बंधन चली गई, सब तोड़ कर वो प्यार के बंधन चली गई, मैं लैंग्वेज का कोर्स यहाँ सीखता रहा, गोरे से शादी करके वो लंदन चली गोरे से शादी कर गई। कल मैंने एक दोस्त से पूछा कि सच बता, सच बता, कल मैंने एक दोस्त से पूछा कि सच बता, मैंने सुना है भाभी को है जेन चिमट गया, मैंने सुना है माशाल्लाह माशाल्लाह जेन चिमट गया, वो बोला खुद ही भुगतेगा जेन, मेरा क्या कसूर, पंगा तो जान बूझ के खुद जेन ने है लिया, पंगा तो जान बूझ के खुद मुकरर नहीं मुकरर। मैंने एक दोस्त से पूछा कि सच बता, मैंने सुना है भाभी को है जिन चिमट गया, वो बोला खुद ही भुगतेगा जिन, मेरा क्या कसूर, पंगा तो जान बूझ के खुद जिन ने है लिया। और एक कथा और सुन लीजिएगा, ताजा है कि अर्ज करता हूँ कि शेरो सुखन की लज्जत क्या जाने खुश्क सूफी, आहा, शेरो सुखन की लज्जत क्या जाने खुश्क जाहिद, जाहिद नशा जो घास में है घोड़े ही जानते हैं, नशा जो घास में है घोड़े ही जानते हैं, नशा जो घास में है घोड़े ही जानते हैं, और शौहर के दिल में क्या है हर बीवी जानती है, शौहर के दिल में क्या है हर बीवी को खबर है, बीवी का मूड शौहर थोड़े ही जानते हैं, सुभान अल्लाह, बीवी का मूड शौहर थोड़े ही जानते हैं। और बेजौजगी के मारे वकास वर्गे, बेजौजगी के मारे क्या जाने दुख हमारे, जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते हैं, जोड़ों का दर्द क्या है, क्या बात, बेजौजगी के मारे क्या जाने दुख हमारे, जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते हैं। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, तंजीला साहब आपको भी बहुत शुक्रिया, गुल साहब बहुत शुक्रिया, वकास साहब बहुत शुक्रिया, और मानूर साहिबा ये जिस कदर आपका भी शुक्रिया, मेरा भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, और नाज़रीन का भी बड़ा शुक्रिया, और मेरा भी शुक्रिया, कंट्रोल नहीं होगी इसी तरह जी मुस्कुराते रहे। स्टार्ट में ही बहुत प्यारी बात की थी कि चार चांद लगने वाले हैं, और यकीनन इस ये चांद भी गिनने चार ही थे, एक दो तीन चार, हम छह चांद। बहुत शुक्रिया आप सबका जी, और इसी तरह मुस्कुराते रहिए, इसी तरह खुश रहिए, और दूसरों को भी मनाते रहिए, और इस लम्हे की कदर कीजिए जो लम्हा अल्लाह ताला ने आपको अता किया है, और इस लम्हे की खैर बरकत अल्लाह ताला आपको भी अता करे, आपके खानदान वालों को भी अता करे, हमेशा खुश रहिए आप सबको, हमारी तरफ से फिर से मुबारक, खुदा हाफिज़।